हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा सातवीं गणित के अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.1। प्रश्न संख्या 4 है। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों में परिमाप दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालेंगे। तो परिमाप का सूत्र लगा करके हम वहाँ से क्या निकाल लेंगे, चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई दोनों होने के बाद फिर क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 4 में आयताकार शीट का परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें बच्चों मालूम करनी है और फिर हमें परिमाप भी निकालना है। तो पहले परिमाप दे रखा है, परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयताकार शीट का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। यह परिमाप और किसके बराबर दे रखा है, 100 के बराबर। यहाँ से बच्चों हमारे पास लंबाई जमा चौड़ाई हो जाएगी, 2 को इधर लेके आएंगे, ये भाग में हो जाएगा 100 भाग में 2 यानी 50 सेंटीमीटर। लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 50 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 35 जमा चौड़ाई, 35 का हमने मान रख दिया लंबाई का, बराबर 50। यहाँ से बच्चों चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, 50 घटा 35, 50 घटा 35 15 सेंटीमीटर। अब हम आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयताकार सीट का क्षेत्रफल, कोई भी आयताकार आकृति होती है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 35 और चौड़ाई हमारे पास है 15, ये हमारे पास आ जाएगा 525 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पहले निकालेंगे चौड़ाई और फिर निकालेंगे क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 5 है। एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के बराबर है। यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें यहाँ पर दे रखा है कि वर्गाकार पारक और आयताकार पारक का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर, दोनों को हम बराबर रखेंगे। और वर्गाकार पारक के में एक भुजा दे रखी है, आयताकार पारक के में लंबाई दे रखी है, चौड़ाई मालूम है करनी है। तो बहुत आसान है, इसको बिल्कुल आराम से करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले बच्चों हमें जो दिया है ना उसको लेके चलेंगे। हमें दिया है आयताकार पारक का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल। ये हमें दिया हुआ बच्चों। अब आयताकार, कोई भी आयताकार आकृति होती है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। रख देंगे यहाँ पर बराबर। वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल, वर्गाकार कोई आकृति होती है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है बच्चों भुजा गुणा भुजा। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। आपको इन सवालों में देखो किसी भी आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो याद होना चाहिए। इसलिए हमने प्रश्नावली शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन किया था, उसके अंदर हमने सिर्फ यही बताया था कि हर एक आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है और कैसे निकाल सकते हैं हम, और आकृति हैं वो कौन कौन सी हैं, उन सब आकृतियों के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो आप वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें जाकर के आप ये अच्छे से देख सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई ये है आयताकार पारक का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा ये है वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल। अब हमें दिया हुआ क्या, देखो आयताकार पारक की हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई हमारे पास है 90, रखेंगे यहाँ पर 90 गुना चौड़ाई बराबर। वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा, हमें इसकी एक भुजा दे रखी है 60 मीटर, 60 गुना 60, क्योंकि वर्गाकार पारक है उसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो एक भुजा 60 है, दूसरी भी क्या होगी 60। यहाँ से बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 90 गुना चौड़ाई बराबर 60 गुना 60, 6 गुना 6 36 और 2 0। यहाँ से बच्चों हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी, चौड़ाई यहाँ पर है आयताकार पारक की 3600 भाग में 90, 90 को इधर लेके आएंगे तो ये गुना से क्या हो जाएगा, भाग, 3600 को भाग करेंगे 90 से। आप बच्चों भाग करो पहले 36 को 9 से, 9 चौके 36 4 आएगा, फिर यहाँ पर 0 2 है, यहाँ पर 0 1 है, एक 0 कट जाएगी, एक बचेगी 40 मीटर।
प्रश्न संख्या 6 है, एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यानी एक तार को मोड़ करके क्या बनाया हुआ है, एक आयत का रूप दे दिया है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाए तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यानी उसको अगर मोड़ करके बना दें हम वर्ग, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी वो बतानी है। यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी इन दोनों में से आयत और वर्गाकार में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। आयताकार तार की लंबाई दे रखी है, हमें चौड़ाई दे रखी है। पहले हम क्या करेंगे, आयताकार तार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 40 गुणा 22, यह हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों ये कहा गया कि इसी तार को क्या बना दिया, वर्ग, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। बच्चों देखो, उसी तार को प्रयोग किया गया है, वही तार पहले आयत के रूप में था, वही तार अब वर्ग के रूप में है, तो तार की लंबाई तो दोनों ही केस में क्या रहेगी, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि आयत का जो आयताकार जो तार है उसकी उसका परिमाप और वर्गाकार तार का परिमाप, दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर। तो ये पहले हम निकाल लेंगे आयताकार तार का परिमाप, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि यहां पर हमें लंबाई चौड़ाई आयताकार की दे रखी है, तो उसको लेके चलेंगे हम। 2 गुणा लंबाई है 40, चौड़ाई है 22, ये हो जाएगा 2 गुणा 40 और 22 62, 2 गुणा 62 124 सेंटीमीटर। ये है आयताकार तार का परिमाप, यानी एक तरह से हमारे पास उस तार की कुल लंबाई आ गई। अब उसको मोड़ के वर्गाकार तार बना दिया गया है तो लंबाई तो वही रहेगी, यानी वर्गाकार तार का परिमाप भी वही रहेगा, वर्गाकार तार का परिमाप वो कितना होगा, इसके बराबर ही होगा 124 सेंटीमीटर। देखो बच्चों समझो इसको, इसी तार को मोड़ के पहले बना दिया आयताकार, फिर सीधा करके इसी तार से बना दिया एक वर्गाकार, दोनों ही केस में बच्चों क्या होगा, तार की लंबाई तो सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी, यानी तार की लंबाई कह दो या कह दो कि आयताकार तार का परिमाप और वर्गाकार तार का परिमाप दोनों क्या रहेंगे, बराबर। अब वर्गाकार कोई चीज होती है उसका परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, बराबर। यह है वर्गाकार तार का परिमाप, दे रखा 124 निकाला है हमने। यहां से हमारे पास बच्चों भुजा आ जाएगी 124 भाग में 4, 31 सेंटीमीटर। हमें इसके अंदर एक तो वर्गाकार तार की भुजा निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। अब ये बताना किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, आयताकार तार का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके हैं, अब निकाल लेंगे हम वर्गाकार तार का क्षेत्रफल। भुजा गुणा भुजा, ये होता है वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। भुजा हमारे पास 31 गुणा 31, ये गुणा हमारे पास आ जाएगी 961 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखो कि किसका क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, आयताकार तार का क्षेत्रफल था 880 वर्ग सेंटीमीटर, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल है 961 वर्ग सेंटीमीटर, किसका अधिक है, वर्गाकार तार का। तो लिख देंगे अतः वर्गाकार तार का क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न संख्या 7 है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों हमें आयत का परिमाप दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई निकालनी है, फिर क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लंबाई ज्ञात करेंगे और फिर निकालेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए, हमारे पास है चौड़ाई, तो पहले लंबाई निकालेंगे,
परिमाप का प्रयोग करके और फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का परिमाप बच्चों सूत्र होता है, दिया हुआ हमें कि आयत का परिमाप बराबर है 130 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये बराबर दे रखे हैं हमें 130। यहाँ से बच्चों 2 गुणा लंबाई निकालनी है, चौड़ाई दे रखी है 30, उसका मान रख देंगे बराबर 130। यहाँ से हमारे पास लंबाई जमा 30 बराबर हो जाएगा, 2 इधर आएगा 130 के भाग में हो जाएगा, 130 को 2 से भाग देंगे हमारे पास आएगा 65। लंबाई जमा 30 बराबर है 65, तो लंबाई बच्चों क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 65 घटा 30, ये जमा है उधर जाके घटा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों हमारे पास हैं, लंबाई हम निकाल ली 35, चौड़ाई हमारे पास है 30, ये हमारे पास आ जाएगी 1050 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं बच्चों। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगा जाता है, दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है, आकृति 11.6 दी हुई हमें, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों दीवार पर सफेदी का खर्च बताना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल, और दीवार का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस पूरी का निकाल करके हम इसमें से घटाएंगे किसका क्षेत्रफल, दरवाजे का, क्योंकि दरवाजे के ऊपर सफेदी नहीं होती, तो दीवार का पूरी का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से घटाएंगे दरवाजे का क्षेत्रफल, फिर जो क्षेत्रफल हमारे पास आएगा उसको गुणा कर देंगे किससे, 20 से, तो वो सफेदी कराने का खर्चा आ जाएगा। इस प्रश्न में बच्चों पहले हम क्या निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल दरवाजे समेत, दीवार की लंबाई 4.5 मीटर, दीवार की चौड़ाई दे रखी है 3.6 मीटर, तो दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो आयताकार होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई ये हमारे पास आ जाएगा 16.20 वर्ग मीटर। अब निकालेंगे हम दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल बच्चों होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, दरवाजे की लंबाई है 2, चौड़ाई है 1, 2 गुणा 1 2 वर्ग मीटर। हम दरवाजे को छोड़ करके दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बिना दरवाजे के दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि जो सफेदी होगी वो दीवार पर होगी, दरवाजे पर नहीं होगी, घटा देंगे, कुल है हमारे पास दरवाजे समेत हमारे पास 16.20, दरवाजे का है 2, घटके आ जाएगा 14.20 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय है 20 रुपये, और हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना है दीवार का, 14.20, तो 14.20 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय हो जाएगा ज़्यादा, 14.20 × 20 ये हमारे पास आ जाएगा। आप बच्चों क्या करो, आप गुणा कर दो 142 को पहले 2 से, 142 को 2 से, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 1 = 2, ये हमारे पास आ गया 284। अब 1 और 2, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो। अब ये देखो दशमलव कितने के बाद है, ऊपर ऊपर दशमलव है 1 2, 2 अंकों के बाद, तो नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 1 2, यहाँ पर 284.00। अब दशमलव के बाद अगर 0 उसको हटा देते हैं हम, ये हमारे पास हो जाएगा 284 रुपये, और यही हमारा कुल व्यय होगा। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।